आप देख रहे हैं KSN 24, पल पल की खबर। नमस्कार, मैं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं KSN 24। KSN 24 की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों। शक्ति क्षेत्र की विभिन्न ज्वलित जन कल्याणकारी समस्याओं व मांगों को लेकर शक्ति कचहरी चौक में एक दिवसीय धरना शिवसेना के जिला प्रमुख ठाकुर ओमकार सिंह गहलोत के नेतृत्व में किया गया, जिसमें प्रमुख मांगे थे कि शक्ति विकास खंड के अंतर्गत अधिकांश गांवों में ODF के तहत प्रोत्साहन अप्राप्त है व आवास के तहत किसी भी हितग्राहियों को राशि प्राप्त नहीं हुआ, जिसे तत्काल हितग्राहियों को दिया जाना चाहिए। शक्ति जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत टेमर में 45 शौचालय हितग्राहियों का प्रोत्साहन राशि सरपंच व सचिव के द्वारा आहरण कर गबन किया गया है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अधिकांश विकलांग लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। अधिकांश क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त घरों के लोगों को भी योजना का लाभ मिले। शक्ति ब्लॉक के अंतर्गत समस्त पंचायतों में सन 2014 से वर्तमान दिनांक तक हुए संपूर्ण कार्य, निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ मिशन के तहत शौचालय निर्माण, वृद्धा पेंशन, सामाजिक पेंशन, विकलांग पेंशन, हितग्राहियों को शासन की संचालित योजनाओं में पात्र अपात्र हितग्राहियों का बयान दर्ज कर समस्त निर्माण कार्य की भौतिक सत्यापन हेतु जांच टीम गठित कर कार्रवाई, इसी सभी विषयों को लेकर एक दिवसीय धरना किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सचिव माननीय HN सिंह जी उपस्थित रहे। वहीं जिला अध्यक्ष ठाकुर ओमकार सिंह गहलोत, जिला सचिव चंदन धीवर, जिला सचिव व प्रभारी जांजगीर चांपा शुभम सिंह राजपूत, जिला सचिव दिलेश्वर विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र चंद्रा, जिला कार्यकारिणी अश्वनी साहू, जिला कार्यकारिणी चंद्रशेखर बरेड, किसान सेना जिला अध्यक्ष धनाराम साहू, विधानसभा अध्यक्ष शक्ति बलभद्र पटेल, विधानसभा अध्यक्ष चंद्रपुर कार्तिक राम साहू, ब्लॉक अध्यक्ष शक्ति मनहरण प्रजापति, ब्लॉक उपाध्यक्ष शक्ति रवि किशन प्रजापति, सक्रिय सदस्य शक्ति वेदराम टंडन, लीलांबर पटेल, वेदराम पटेल, शिव गबेल, श्रीमती कमला गबेल, श्रीमती रुखमणी साहू धरना स्थल पर उपस्थित रहे। ये लगातार जारी है और जारी रहेगी। मित्रों, शासन प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से ये खेल खेला जा रहा है कि आपका 2002 के सर्वे सूची में नाम था, वो कट के 2011 के सर्वे सूची में नहीं है, इस कारण आपको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो 10 साल पहले, 20 साल पहले जो लोग गरीब थे, वो अमीर कैसे हो गए? अमीर कैसे हो गए? आज हम लोगों के घर में चार चार भाई हैं कि तीन भाई हैं कि दो भाई हैं, तो 10 साल बाद, 12 साल बाद बंटवारा होता है तो जमीन हमारी कम होती है, बढ़ती नहीं है। कागजों में जिस प्रकार के हम लोगों को वंचित करने के लिए जो खेल खेला जा रहा है, उसमें सुधार कीजिए, उसको बंद कर दीजिए। हम लोग इतने छुतिया लोग नहीं है जितना आप समझ रहे हो। हम आपको छुतिया साबित कर देंगे। हमारी मांगे जो है वो सभी मांगे जायज है। आज कहीं पे नाली बन गया है कागज में, कहीं पे सड़क बन गया है कागज में, कहीं पे खंबा लाइट के पोल गड़ गए हैं कागज में, सारे चीज कागज में है। धरातल में जाके अपन देखे तो कहीं पे कोई कार्य नहीं है, और जो कार्य हुए भी है वो गुणवत्ता भीन है। जो गुणवत्ता से काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। सीसी रोड बना रहे हैं, 2 साल में उपड़े खत्म हो जा रहे हैं। बरसात आई, सीसी रोड खत्म, नाली में पानी गिरने, पानी बहने से पहले नाली उखड़ जा रहा है। ये सारी जो गुणवत्ता भी पैसा खाने का खेल, ये जो जिम्मेदार लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इस सब पे रोक लगाने के लिए शिवसेना लड़ाई लड़ेगी, आवाज उठाएगी, आवाज उठाती है, आवाज उठाती रहेगी। आज इस धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, माननीय प्रभारी मंत्री, आदरणीय जिलाधीश महोदय, इन सबके नाम से हम आज ज्ञापन सौंपेंगे और 15 दिवस के भीतर अगर हमारी मांग की पूर्ति नहीं होती है तो शिवसेना के द्वारा पुनः आंदोलन किया जाएगा। और जो आंदोलन फिर से होगी उससे जो भी दिक्कत या परेशानी शासन प्रशासन को होगी, उसके लिए जिम्मेदार शासन प्रशासन के लोग होंगे। शिवसेना का काम करने का तरीका ही अलग है। पहले निवेदन, फिर प्रतिवेदन, और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर जनादन।
तो हम आज निवेदन करने के लिए खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, ये हमारा निवेदन है। इसके बाद एक प्रतिवेदन और होगा और उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो शासन प्रशासन के इस मंच के माध्यम से जाना चाहता हूँ। जय धर्मानंद से तैयार रहे। आज एक दिवसीय धरना जिस सूत्री मांगों को लेकर किया जा रहा है और हमारा ये आंदोलन आम जनता हितों के लिए किया है और आगे भी हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांग की पूर्ति नहीं होगी। मैं इतना ही करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भवानी, जय शिवाजी, हर महादेव। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।